सो हे गाइस, दिस इज नायकू मैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर नायक। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है मज़ेदार होने के साथ साथ आपको ढेर सारा कुछ सीखने को भी मिलेगा। यार, मेरी चैनल का जो सबसे पॉपुलर वीडियो है केन टेस्ला कॉइल, जो कि 12K भी क्रॉस कर चुका है, एंड जब मैंने सोचा कि ये जब 10K क्रॉस करेगा तो मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड नया कुछ लाऊंगा। सो गाइज, हाँ यार, टाइम आ गया है। जो कि वो टेस्ला कॉइल थी वो 3 मिलियन वोल्ट तक जनरेट करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट है। सो गाइज, हम इसी टेस्ला कॉइल को घर पे बनाएंगे, बिल्कुल हाँ, घर पे हम इसको बनाएंगे, देखेंगे ये काम करता है कि नहीं। आप बराबर मेरे साथ रहेगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि बिट टू बिट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टेस्ला कॉइल कैसे बनानी है। हम इसको घर पे ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हुए तो देखेंगे इसको, फिर हम इसे बड़ा मॉडल भी बनाएंगे जिसमें हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर पाए। तो चलिए, हम आज का जो वीडियो है उसमें टेस्ला कॉइल घर पे बनाएंगे एंड कंपोनेंट सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या करना है, ताकि आप भी ये घर पे बना पाओ। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले हमें एक बारी क्लब जाना पड़ेगा, वहाँ से वो सारा सामान हमें इसी रूम में वापस लाना है, क्योंकि वहाँ पे उतनी लाइट नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी लाइट है, तो हम प्रोजेक्ट पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जाते हैं क्लब, वहाँ से वो सारा सामान हम इस रूम में लाते हैं। जल्दी से हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनमें हमें कुछ लगेंगे, कुछ ट्रांजिस्टर्स एंड कुछ रजिस्टर, ठीक है। एक एक इनमें हमें लगेगा, मैं आपको नंबर भी बोलूँगा कि कौन कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा। हमें इसमें लगेगी एक 28 AWG कॉपर वायर, हमें इसमें एक 9 वोल्ट बैटरी लगेगी, ठीक है। एक तो ऐसा कुछ टाइप आता है जिसको ऊपर से कैप होती है, बट ये ऑडिनो को लगती है, तो हमें इसमें यूज़ करना है एक ऐसा कैप जो कि एक साइड खुला हुआ है, ताकि हम कनेक्ट इसको इजीली कर पाए, ठीक है। एंड हमें इसमें लगेगा एक स्विच, ओ खुल जा भाई, तो स्विच इस टाइप का, ठीक है। एंड फाइनली एक पाइप का, जिसका हमें काटना है, ये ऑर्डिनरी पाइप है, घर पे अवेलेबल होती है, कुछ आप दुकान से भी इसको ले सकते हो। तो इसको भी हमें कैसे काटना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस सब के बावजूद हमें कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें घर पे अवेलेबल होती है, या हम इजीली इसको किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप मुझे क्या चाहिए इस वीडियो के लिए, वो है एक बॉल, जो कि मैं बचपन में इस बॉल को खेलता था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिलेट करा होगा कि ये बॉल क्या वैल्यू रखती है हमारे लाइफ में, तो इस प्रोजेक्ट में इस बॉल का भी यूज़ होने वाला है। एंड इसके बाद हमें लगेगा एक एलुमिनियम फॉइल, जो कि आप किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है। तो आपको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ ये कंपोनेंट्स, जैसे कि ये और ये कंपोनेंट अलग अलग है, दोनों रजिस्टर है बट अलग अलग है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। बट हमें इसके लिए चाहिए एक 2.2 K ohm रजिस्टर, जिसकी कलर कोडिंग सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इसका। एंड एक 2N2222A ट्रांजिस्टर एंड 28 AWG कॉपर वायर, बाकी तो सिंपल है, बैटरी स्विच ये तो आसान ही है, इसका आप ख्याल रखना, ट्रांजिस्टर सेम होना चाहिए, सेम नंबर का, एंड हमारा रजिस्टर, अगर नहीं होगा तो हमारा ये सर्किट काम बिल्कुल भी नहीं करेगा।